फार्मा स्पेस में आज फिर से एक्शन रह सकता है। चार कंपनियां हैं जिन पर खबर है, मैं पहले दो ले लेती हूं, एक तो सिप्ला और दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा। सिप्ला पर खबर है कंपनी की बोर्ड मीट है, एडीआर और जीडीआर के जरिए फंड रेजिंग को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर अगेन कंपनी की बोर्ड बैठक है और अगले दशक के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लू प्रिंट तय होगा। गौरांग, ग्लेनमार्क फार्मा और सिप्ला दोनों पर आपके कॉमेंट्स। वेल, प्रोडक्ट लॉन्चेस और प्रोडक्ट पाइपलाइन को लेकर के हमें काफ़ी उत्साह है दीपाली, और जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन सा माहौल दोनों में ही रहा है कुछ समय से, अप्रूवल के आधार पर और प्रोडक्ट पाइपलाइन के आधार पर, लॉन्चेस के आधार पर डेफिनेटली ऊपर के तरफ के दायरे आपको देखने मिलेंगे। और ये डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे हम, ग्लेनमार्क और सिप्ला फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई दोनों कंपनियों पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। ग्लेनमार्क पर लक्ष्य निर्धारित किया है करीबन 1075 से लेकर के 1135 का, और सिप्ला पर हमारा लक्ष्य करीबन 680 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक का। चलिए, आप ट्रेडिंग कॉल भी एक बार समझ लीजिए। रजत हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से, जो आपको 2 मिनट में 10 ट्रेडिंग आइडियाज देने वाले हैं। रजत बताएं आप। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर की आप बात कर रहे हैं और बोनांजा पोर्टफोलियो के रडार पर भी आज ग्लेनमार्क है। इनफैक्ट ग्लेनमार्क आज बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज के रडार पर है, क्योंकि आज बैठक है जिसमें 10 साल का होराइजन पेश करेगी कंपनी, उसके चलते चल सकता है। 960 का पहला टारगेट दे रहे हैं, 965 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 910 का लगाना होगा। तेजी पकड़ सकता है ये स्टॉक। अगर बेचना है तो BHEL यहाँ पर थोड़ा तकनीकी चार्ट पर 300 रुपये प्रॉफिट बुकिंग के बोर्ड पर आ सकता है। वीक स्ट्रक्चर है, 120 पहला लक्ष्य है बोनांजा पोर्टफोलियो का, दूसरा 119 और स्टॉप लॉस इसमें 125 के आसपास का कैरी करना होगा आपको। इन्वेस्टर पॉइंट मानता है कि खरीदारी करनी है तो टाटा कम्युनिकेशन टेलीकॉम स्टॉक्स में आउट परफॉर्म कर रहा है और इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है। टारगेट दे रहे हैं वो 670 का, स्टॉप लॉस 639 का अपने ट्रेड पे आपको लगाना होगा। दूसरा स्टॉक एम्फोसिस, मिड कैप आईटी प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है मार्केट पे, एम्फोसिस इस हफ्ते की शुरुआत काफी बेहतर कर सकता है। 585 का टारगेट है, 553 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे रखें। अगर आज आप तेजी बनाते हैं तो 585 का टारगेट रहेगा। एके प्रभाकर IDBI कैपिटल बेट लगा रहे हैं महिंद्रा हॉलीडेज पे, निचले स्तरों से साफ तौर पे पुल बैक विजिबल है इस पे। 418 का पहला टारगेट लेके चलें, तेजी पकड़ेगा तो 396 का अपने ट्रेड पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा फिर से मिड कैप आईटी प्ले है साइंट, जिस पे पहला टारगेट है 525 और अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो 506 का स्टॉप लॉस साइंट पे आपको आज के सत्र में लगाना होगा। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट केमिकल स्टॉक्स में तेजी समझ रहा है कि आज आती हुई नजर आएगी, जिसमें बोडल केमिकल एक अट्रैक्टिव प्ले है मार्केट पे। टेक्निकल चार्ट्स काफी इंप्रूव्ड हैं, 136 का टारगेट लेके चलें, पहला टारगेट है ये। स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो 126 की रेंज पे आप लगा सकते हैं। और दूसरा फिर से मिड कैप आईटी प्ले है सोनाटा सॉफ्टवेयर, पिछले सत्र में भी आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को, आज हफ्ते की शुरुआत बेहतर होने के चांसेस हैं। 195 का पहला टारगेट लेके चलें, 179 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। GPL जो डेरिवेटिव मार्केट पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया करके गया बायोकॉन, उसी पे बेट लगा रहे हैं और ये इस हफ्ते भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। खरीदारी करनी है तो 983 के आसपास खरीदारी करें बायोकॉन पे, टारगेट रखें 1008 का, 1008 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 968 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर बेचना है तो सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, इस स्टॉक पे नेगेटिव बेट लगाने की बात की जा रही है। 3177 के आसपास शॉर्ट इनिशिएट करें, 3132 का टारगेट और 3205 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे कैरी करना होगा। जी शुक्रिया रजत, तो ये 10 ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताई गई हैं। कुछ ही देर में एक और कॉल बताएंगे जो कि इंट्राडे पोजीशन नजर से होगी, वो होगा हमारा आज का टुडेस ट्रेड। लेकिन उससे ठीक पहले गायत्री प्रोजेक्ट्स पर भी कमेंट ले लेते हैं। मिस्टर सेठी, आपकी राय लेना चाहेंगे। खबर है कि 26 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड मीट है जिसमें स्टॉक स्प्लिट को लेकर डिसीजन लिया जाएगा और 1:5 के रेशियो में यह स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। क्या कॉमेंट्स है आपके गायत्री प्रोजेक्ट्स के? ये दीपाली, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है और आज मुझे लगता है इसमें एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। मैंने अपनी जो बाई लिस्ट की रिकमेंडेशन भेजी उसमें से स्टॉक को भी इंक्लूड किया है। मुझे लगता है आज हम इसमें 5-6% तक की तेजी देख सकते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए।